हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड के एक्टर पिता पुत्र के दर्दनाक अंत की जानकारी देने जा रहे हैं। पिता 70-80 के दशक की हिंदी फिल्मों का मशहूर विलेन हुआ करता था, वहीं बेटा 90 के बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम था। दोनों की मौत के बारे में जानकर आप चौंक उठेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन यशराज की, जिनको आप उनके किरदार जुबिस्को के नाम से जरूर जानते होंगे। उनके दर्दनाक अंत के बारे में बताने से पहले आपको उनके यूसुफ खान से यशराज बनने की कहानी सुनाते हैं। अगर आपने उनकी फिल्में देखी होंगी तो एक बार आपको भी लगा होगा कि वो भारत के नहीं थे। जी हाँ, वो भारतीय नहीं बल्कि मिस्र में पैदा हुए थे। 1 मई 1940 को जन्मे इस बेमिसाल एक्टर का असली नाम यूसुफ अबू शेर था। रंग गोरा चिट्टा और सदा हुआ शरीर। बचपन से ही इनको एक शौक था फिल्मों में काम करने का, खासकर वहां भारतीय फिल्में बड़ी मशहूर हुआ करती थीं। इनको देख देख कर ही वो बड़े हुए तो शौक चढ़ गया हिंदी सिनेमा में आने का। 60 का दशक चल रहा था, वो 25-26 साल के रहे होंगे। पैसा इकट्ठा किया और मिस्र छोड़कर चले आए भारत और सीधा पहुंच गए माया नगरी बंबई। न हिंदी आती थी न कोई जान पहचान, बस हीरो बनने के लिए भटकना शुरू कर दिया। हिंदी सीखने लगे और डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के ऑफिस से लेकर स्टूडियो के चक्कर काटते रहे। जहां भी जाते कद काठी और गोरा चिट्टा शरीर देखकर लोग मुड़ मुड़ कर देखते, लेकिन काम कोई नहीं दे रहा था। करीब 2 साल तक ऐसे ही भटकते रहे, फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया। 1967 के आसपास की बात होगी, डायरेक्टर गीता प्रिया की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म में यूसुफ को हीरो बना दिया। 1969 में फिल्म आई जंगल की हसीना, मगर फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और यूसुफ फिर से पहचान के लिए भटकने लगे। उनकी दोस्ती कुछ फिल्मी कलाकारों से हो गई थी। उन लोगों ने सलाह दी कि अगर अपना नाम बदल लो तो शायद काम बन सकता है। उन दिनों बॉलीवुड सितारों के बीच फिल्मी नाम रखने का बड़ा चलन था। यूसुफ को भी बात समझ में आई और उन्होंने अपना नाम यूसुफ अबू शेर से बदलकर रख लिया यशराज। अब इसे इत्तफाक कहें या नसीब, उनकी किस्मत वाकई नए नाम ने बदलनी शुरू कर दी। उनको फिल्मों में रोल मिलने लगे। 1970 के आसपास महमूद एक फिल्म बना रहे थे। महमूद ने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर लिया था, बस उनको एक बॉक्सर के रोल के लिए नया चेहरा चाहिए था। यशराज बन चुके यूसुफ उनसे मिले और वो महमूद को पसंद भी आ गए। 1972 में फिल्म आई बॉम्बे टू गोवा, जिसमें वो पारसी बॉक्सर जॉन की भूमिका में नजर आए। उनका महमूद के साथ एक फाइटिंग सीन बड़ा मशहूर हुआ और पहली बार दर्शकों के बीच यूसुफ की पहचान बन गई। महमूद को वो इतने पसंद आ गए कि अपनी अगली फिल्म गरम मसाला में भी उनको रोल दे दिया। इसके बाद उनको फिल्में मिलनी शुरू हो गईं, जैसे 1973 में नैना, 1974 में दो फूल और दुनिया का मेला, 1975 में धर्मात्मा और 1976 में हरफन मौला। ये अलग बात थी कि वो हीरो बनने आए थे, लेकिन उनको रोल निगेटिव मिलते रहे। मगर 1977 में एक फिल्म आई जिसने उनकी पहचान ही बदल डाली। मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई अमिताभ, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार उनको दे दिया। बस यहीं से उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी और यूसुफ को परवीन बाबी के बॉडीगार्ड जुबिस्को का रोल मिला था। फिल्म तो सुपरहिट हो गई, मगर यूसुफ का किरदार तो इतना हिट हो गया कि इस फिल्म के बाद लोग उनको जुबिस्को के नाम से ही पहचानने लगे। इसके बाद तो यूसुफ ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, देश परदेश, मुकद्दर का सिकंदर, कर्ज, नसीब, डिस्को डांसर और बॉक्सर। इन फिल्मों के जरिए 70 और 80 के बड़े खलनायकों की लिस्ट में यूसुफ भी शामिल हो गए। उनका करियर हर साल नई उड़ान भरता जा रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब तबाह हो गया।
यूसुफ खान ने भारत में ही शादी की थी फैजाना नाम की लड़की से। दोनों के 3 बच्चे हुए, फराज, फहद और फादिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 1985 की बात है, वो एक फिल्म की शूटिंग करने गए हुए थे। उस दिन सुबह से शूटिंग शुरू हो गई थी। उनके सीन शूट किए जा रहे थे तभी अचानक यूसुफ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके सिर में दर्द होने लगा और वो सेट पर ही लड़खड़ाने लगे। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि उनको हुआ क्या। जब तक कोई कुछ समझ पाता वो लड़खड़ाते हुए बेहोश हो गए। सेट पर हड़कंप मच गया। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि उनकी मौत हो चुकी थी। असल में उनको दिमागी बीमारी थी जिसकी उनको खबर ही नहीं थी। इसी वजह से उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। सिर्फ 45 साल में इस मशहूर अभिनेता की मौत हो गई थी। दोस्तों, हैरानी की बात है कि पिता जैसी किस्मत ही बेटा भी लिखवा कर लाया। 1987 के आसपास की बात है, राजश्री प्रोडक्शन बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहा था। लीड हीरो के ऑडिशन चल रहे थे। 50-55 लड़के ऑडिशन में पहुंचे। इनमें सलमान खान, बिंदु दारा सिंह से लेकर दीपक तिजोरी भी थे। इनके साथ ही 17-18 साल का खूबसूरत लड़का भी आया था। उसकी एक्टिंग को देखते ही सूरज बड़जात्या सब भूल गए और लड़के को फाइनल कर दिया। मगर बदनसीबी ने ऐसी बाजी पलटी कि वो खूबसूरत लड़का बाहर हो गया और सलमान खान हीरो बनकर रातों रात सुपरस्टार बन गए। उस युवक की पूरी जिंदगी बदकिस्मती ने साथ नहीं छोड़ा। बात हो रही है बॉलीवुड अभिनेता फराज खान की, जो 90 के दशक में हिंदी सिनेमा का जाना पहचाना चेहरा हुआ करते थे। 27 मई 1970 को बंबई में पैदा हुए फराज एक्टर यूसुफ खान के सबसे बड़े बेटे थे। पिता फिल्मों में थे तो बेटे को भी एक्टिंग का शौक चढ़ गया था। सबसे खास बात थी कि उनका चेहरा और कदकाठी भी हीरो जैसे ही थे। बस किस्मत ने धोखा ना दिया होता तो उनका रुतबा कुछ और ही होता। जी हाँ, राजश्री प्रोडक्शन की जिस फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया था, वो फिल्म तो उनको मिली ही नहीं थी। मैंने प्यार किया के असली हीरो फराज खान थे, बस बदनसीबी उनको ले डूबी। हुआ ये कि सूरज बड़जात्या ने बतौर हीरो उनको साइन कर लिया था, एडवांस फीस भी दे दी थी। जिस दिन शूटिंग शुरू होने जा रही थी उससे पहले अचानक सूरज बड़जात्या को पता लगा कि फराज की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कई दिनों के इंतजार के बाद भी उनकी सेहत में सुधार नहीं आया। शूटिंग लेट होती जा रही थी तो राजश्री वालों को मजबूरी में बड़ा फैसला लेना पड़ा। सूरज बड़जात्या ने फराज की जगह सलमान खान को हीरो बना दिया। इसी फिल्म ने रातों रात सलमान को सुपर स्टार बना दिया। अगर फराज की तबीयत ना बिगड़ती तो मैंने प्यार किया के हीरो फराज होते और शायद कहानी कुछ और होती। खैर, कुछ साल बीते और एक बार फिर उनकी लॉन्चिंग की तैयारी हुई। 1994 के आसपास की बात है, विक्रम भट्ट फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको लीड हीरो के रोल के लिए एक्टर चाहिए था जो दिखने में डॉक्टर जैसा लगता हो। फराज ऑडिशन देने पहुंचे तो विक्रम को उनके भीतर अपना हीरो नजर आ गया। बस उनको फाइनल कर लिया। 1996 में आई फरेब फिल्म हिट हो गई, मगर डॉक्टर बने फराज से ज्यादा मशहूर हो गए विलेन इंस्पेक्टर बने मिलिंद गुनाजी। खैर, इसके बाद उनकी सबसे मशहूर फिल्म आई रानी मुखर्जी के साथ 1998 में मेहंदी। फराज फिल्म के हीरो तो थे, लेकिन उनका किरदार दहेज लोभी पति का था। फिल्म खूब चली, लेकिन बदकिस्मती ने यहां भी उनको नहीं छोड़ा। मेहंदी फिल्म के बाद फराज की छवि निगेटिव बन गई। इसके बाद उनकी 4 फिल्में आईं, दुल्हन बनू मैं तेरी, दिल ने फिर याद किया, बाजार और चांद बुझ गया। अफसोस, किसी भी फिल्म को दर्शकों ने पसंद नहीं किया। इसके बाद फिल्म मेकर्स ने उनको काम देना ही बंद कर दिया। फराज ने घर चलाने के लिए टीवी का रुख कर लिया। यहाँ वो कुछ हॉरर शोज में नजर आए। इसके बाद से वो बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से गायब हो गए थे। फराज अक्सर बीमार रहा करते थे। इसी का असर उनके करियर पर पड़ता जा रहा था और साल 2008 के बाद उनको टीवी पर भी काम मिलना बंद हो गया। फिर कई सालों बाद अचानक चौंकाने वाली खबर आई। अक्टूबर 2020 की बात है, खबर आई कि फराज बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके सीने में इन्फेक्शन हो गया था जो सीने से होता हुआ दिमाग तक फैल गया और उनकी हालत गंभीर हो गई।
दिमाग में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि वो अपने भाई फहमान खान को पहचाना भी भूल गए थे। उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तब सलमान खान ने 25 लाख रुपए देकर उनके अस्पताल के बिल चुकाए थे। एक महीने तक फराज खान अस्पताल में भर्ती रहे और दिन ब दिन उनकी हालत और बिगड़ती गई। कोई एंटीबायोटिक दवा उनके शरीर पर काम नहीं कर रही थी। फिर 4 नवंबर 2020 के दिन 49 साल की उम्र में फराज की मौत हो गई। बाद में उनके सौतेले भाई एक्टर फहमान ने खुलासा किया था कि फराज की मौत ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से हुई थी। इस नए वायरस की जानकारी उनकी मौत के 6 महीने बाद हुई थी। इतनी कम उम्र में पिता की तरह ही बेटे फराज खान की मौत ने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपको यूसुफ खान और फराज खान कैसे लगते थे? आपको दोनों की कोई फिल्म या किरदार याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।